नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। हो गया मिस्टर बिस्सूराज और मालती भाभी जी का समझौता, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु श्री राम जी की कृपा लग गई, लेकिन बधाई तो हो गई, इस बात पे मुझे विचार करना है कि भाभी जी कल के FIR सही में लिखवाई थी कि ये सब झूठ था। कल हुआ मुकदमा और आज हुआ सुलह और समझौता। इस बात पे मुझे विचार करना है, अगर यही काम भाभी जी अगर जाके घर पर कर लेती तो कितना बढ़िया काम था, लेकिन उनको व्यूज कमाना था। और मैं बताना चाहूँगा कि इतनी भोली जनता है यूट्यूब की कि वो कभी अब विश्वास भी नहीं मानेगी कि ये बात सत्य है या गलत। कभी अपने पति को गायब कर देना, कभी मियाँ बीवी में झगड़ा कर देना, कभी हम लोगों को लड़ाई लगवा देना और उसके बाद में हम लोग किसी के लिए लड़ाई लगे और आखिरी में उनसे जाके हाथ मिला लिया जाए और सुलह समझौता कर लिया जाए, ये कहाँ की इंसाफी है दोस्तों। इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी है कि भैया भाभी एक हो गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पे जाइए और आज बनाइए मुर्गा और चाप के खाइए। एक सवाल पूछें? हाँ पूछिए। क्या जैसे अभी इस टाइम आपसे व्यवहार था जो चीज़ जी एक साथ हो गए, क्या वो आप लोग से फिर से वही व्यवहार रखेंगे? हमें लगता है इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। हम ये नहीं जानते हमसे व्यवहार रखे कि नहीं रखेंगे, और मैं तो अब किसी के बारे में सोच समझ के बोलूंगा, लेकिन इस बात की जय है, गोरखपुरिया भौजी जिंदाबाद है और निषाद राज हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। ये दम है निषादों का यार, निषाद के कभी कुछ झुक नहीं सकता है, ये झुका सकता है, ये बहादुरी है। मतलब कभी ने भौजी ने कहा था कि मैं बदला लूंगी, आखिर में वो सच नहीं, नहीं गया। ये नहीं कही थी, बोली थी कि कभी दोनों लोग को अपने पैरे तरे ना मैं गिरा दूं, उसी कुछ भी मतलब क्या जो भी था। ये निषादों का यह गढ़ है और निषाद के आगे दुनिया टिकी है। जब प्रभु राम श्री राम जी निषाद का गाथा गाते हैं, पीएम सीएम गाथा गाते हैं, तो ये तो नॉर्मल जनता है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। भोली जैसे कहा जाता है, सुन लीजिए, जैसे कहा जाता है भारत की भोली जनता को, भारत की भोली जनता है, भारत को भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। भारत कितनी भोली जनता है, कैसे अब किसी के ऊपर विश्वास करेगा यार। बाकी और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोग ये एक चीज मुझे जरूर बताइएगा, कौन सा ऐसा कोर्ट है, कौन सा ऐसा कचहरी है कि आज मैं मुकदमा करती हूँ और कल मैं सुलह कर लेती हूँ? हाँ, ऐसा कोई कोर्ट कचहरी होगा मुझे भी बताइएगा। मैं बहुत लोग तो ये सब फ्रॉड था दोस्तों, ये सब झूठ था, मैं बता रहा हूँ, ये सब फ्रॉड था। कहीं भी मेरे पास जो भी भैया लोग फोन करते थे, जो भी दीदी लोग फोन करती थी कि ये ब्यूज के लिए है, तो बहन हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं जानती थी कि ये ब्यूज के लिए है। आप लोगों को बात सत्य निकला, ये ब्यूज के लिए ही था, और वो जो कागज कोर्ट कचहरी में दिखाया जाता है वो सब गलत था। वाकई में ये बात सही है। तो दोस्तों बस इसमें चाहे भौजी ने और चाहे तिसरवा कोई, चाहे जो भी, चाहे प्रभु श्री राम जी की कृपा से बच्चे का भविष्य बच गया, इसके लिए बहुत बधाई हो। इसके लिए पर अच्छा वीडियो को हम लोग यही करते हैं एंड, ज्यादा बात नहीं करेंगे, मिलते हैं। आज हम लोग भी खुशियां मनाएंगे क्योंकि मालती भाभी और भैया का सपोर्टर हम लोग पहले भी थे, शाम को काटेंगे, आगे रहेंगे भी, लेकिन शाम को बनाएंगे, केक काटेंगे या कुछ भी करेंगे, वो मेरा ऊपर है, मैं बताऊंगा नहीं। कैमरामैन अभी बंद मत करिएगा, ये क्लाइंट आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि आपको शाम को दिखाया जाएगा क्या हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। फिर बंद कर दिएगा मेरे हस्बैंड। निषाद राज गलिया पर लिखवाला, भौजी हो जइबो मसहूर, लिखवाइए सब लोग। निषाद राज गलिया पर लिखवाला, भौजी हो जइबो मसहूर, जिसको निषाद राज का नाम लेना है, मसहूर होना निषाद राज का नाम ले। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरा एक गाना आ रहा है बहुत जल्दी में, बहुत तगड़ा गाना आ रहा है, आप लोग उस पर सुनिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर सबको आपको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं करते हैं और हम जा रहे हैं शॉर्ट बनाने, आप लोग देखिए, मस्ती करिए, मौज करिए, बहुत बहुत बधाई हो सुरु जी को और मालती जी को। नमस्ते नमस्ते।